हेलो गाइज, आज मैं एकदम यूनिक स्टाइल में चॉकलेट मोदक लेके आई हूँ, जिसमें हमें ना कोई गैस की ज़रूरत है, ना हमें खोआ की ज़रूरत है, ना इसमें हमें कोई ना मिल्क पाउडर की ज़रूरत है। सिर्फ 10 मिनट में बनने वाला मोदक बहुत ही टेस्टी है, नमी है। तो वेलकम टू माई चैनल ज्योति फूड मंत्रा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लेट्स स्टार्ट। मोदक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चॉकलेट का बिस्किट लिया है। आप यहाँ पे कोई सा भी चॉकलेट का बिस्किट आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसके बाद हम इसके 2 डिवाइडेशन कर देंगे इस टाइप के। तो इसमें जो चॉकलेट क्रीम लगी हुई है, इसको मैं नाइफ से निकाल दूँगी। इस टाइप से हमें निकाल देना है। ऐसे ही हम वन बाई वन सब में से निकाल देंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, जिसको सिर्फ 10 मिनट में बनाया जा सकता है। इसमें ना हमें मावा, ना मिल्क पाउडर, ना गैस की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस टाइप का हम सब में से निकाल देंगे। तो ऐसे मैंने निकाल दिया है, सबको मैंने अलग अलग कर दिया है। इसे हम स्टफिंग भरने के लिए रेडी करेंगे ड्राई फ्रूट्स डाल के। इसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जार लिया है, तो इसको पीस करके ही इसको इसमें डालना है। इस टाइप का पीस करके इसमें डालना है। तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इसे हमें महीन पीसना है। इस टाइप का हमें पीस लेना है। यदि एक दो बिस्किट रह भी जाते हैं तो उसे आप निकाल सकते हो या उसे पीस सकते हो दोबारा से। तो इस टाइप का हमें कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है, जो हम घर में जो स्पून जो यूज़ करते हैं उस साइज का मैंने घी इसमें ऐड किया है। तो इसमें सिर्फ 3 चीज़ों का ही यूज होता है यहाँ पे, सिर्फ बिस्किट, घी एंड मिल्क। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड करूँगी। इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून ही मिल्क ऐड करना है और इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं डालना है। इसको हमें ऐसे मिला लेना है, जैसे हम आटा मारते हैं वैसे हमें दूध तैयार करना है। तो इस टाइप का हमें मिला देना है। तो हमारा ये दूध तैयार हो गया है इस टाइप का। तो इसे हम प्लेट में रख देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो बिस्किट में से जो चॉकलेट क्रीम निकाली थी, उसमें हम 2 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर इसको ऐड करेंगे। ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाता है। इसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बादाम को ऐड किया है, साथ में मैंने यहाँ पे किशमिश, साथ में हम यहाँ पे सिरौंजी इसको ऐड करेंगे, और साथ में यहाँ पे इलायची पाउडर इसको ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे और भी कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हो तो उसको भी ऐड कर सकते हो। तो इसको हम आपस में मिला देंगे। इस टाइप का हमें मिला लेना है। इसके बाद हम स्मॉल साइज की बॉल बना देंगे इस टाइप की। इस टाइप का हमें बॉल बना देना है। तो ये स्टफिंग तैयार हो गया है भरने के लिए। इसके बाद हम चॉकलेट मोदक तैयार करेंगे। तो मोदक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस टाइप का मोल्ड लिया है, इस तरह का स्टैंड लिया है। ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाथ में चॉकलेट बिस्किट जो तैयार किया था उसको मैं लूँगी। तो इसको हम बंद कर देंगे और इसको हम ऐसे हमें फिल करना है। तो इसको हमें उंगली से ऐसे प्रेस करना है और चारों तरफ इसको हमें ऐसे फिल कर देना है।
बीच में हमें थोड़ा स्पेस छोड़ना है, जिसे हमने जो स्टफिंग तैयार की थी उसको हम भर देंगे। तो ऐसे ही हमें बीच में इसको भर देना है। इसके बाद फिर से हम चॉकलेट को ऊपर से लगा देंगे। तो इस टाइप का लगा दिया है, तो आप देख सकते हो वाओ बन गया है। इसको हमें नीचे से निकालना है। तो मोदक हमारा तैयार हो गया है, एकदम चॉकलेट ड्राई फ्रूट्स मोदक रेडी हो गया है इस टाइप का। तो ऐसे ही हम वन बाई वन सबको हम बना लेंगे। ऐसे मैं आपको दूसरा फिर से बता देती हूँ। इसे हमें ऐसे फिल करना है और चारों तरफ हमें प्रेस करना है उंगली से इस टाइप का। ऐसे हमें बीच में फिर से हमें स्टफिंग भर देना है और ऊपर से हमें फिर से टैप कर देना है, जो एक्स्ट्रा हुआ उसको निकाल देना है। तो ऐसे तैयार हो गया है और इसे हमें नीचे से हमें निकालना है। वाओ, तो चॉकलेट स्टफिंग मोदक तैयार हो गए हैं। ऐसे ही मैंने बनवाई बन सबको मैंने बना लिया है। तो वाओ, चॉकलेट ड्राई फ्रूट्स मोदक हमारे रेडी हो गए हैं, वो भी 3 चीज़ों से इसको बनाया है। 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। तो इसे आप आराम से 6 से 7 दिन का आराम से आप इसे स्टोर कर सकते हैं, इसे फ्रिज में रख के आप इसे यूज कर सकते हैं। इसको मैं 2 डिवाइडेशन में आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे हम नाइफ से इसका मिड में से हमें 2 डिवाइडेशन इसको हम करेंगे। तो आप देख सकते हो स्टफिंग भी इसकी हमारी भर चुकी है। तो फाइनली चॉकलेट ड्राई फ्रूट्स मोदक हमारे रेडी हो गए हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर रिप्लाई दें। ये आपको यूनिक रेसिपी मोदक हमारे कैसे लगे, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को। और हाँ, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ मेरे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी। टेक केयर, बाय बाय।